रोजाना ज्ञानवर्धक चीजों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हमारी जन्म के आधार पर राशियों का निर्धारण होता है और राशि के अनुसार स्वभाव का, कौन सी राशि वाले व्यक्ति के अंदर कौन सी सबसे बड़ी कमजोरी होती है जो आजीवन उसका पीछा करती है। ज्योतिष शास्त्र के पास हर एक चीज़ का जवाब है। हमारे ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि कुल 12 ज्योतिष राशियां होती हैं और प्रत्येक राशि की अपनी ताकत और कमजोरियां, अपने स्वयं के विशिष्ट गुण, इच्छा एवं जीवन तथा लोगों के प्रति रवैया होता है। आकाश की छवियों या जन्म के समय ग्रहों की स्थिति के विश्लेषण के आधार पर ज्योतिष हमें एक व्यक्ति की बुनियादी विशेषताओं, प्राथमिकताओं, कमियों और भय की एक झलक दे सकता है। अगर हम राशियों की बुनियादी विशेषताओं को जान लें तो हम वास्तव में लोगों को बहुत बेहतर जान सकते हैं। इसके साथ ही हम सभी यह अच्छे से जानते हैं कि हमारे जीवन में जो भी उतार चढ़ाव आते हैं वो सभी ग्रहों नक्षत्रों में परिवर्तन की वजह से होता है, और यही वजह है कि कभी कभी इन ग्रहों की चाल बदलने से हमारा जीवन खुशियों से भर जाता है, तो वहीं इसके विपरीत कभी कभी इन ग्रहों की चाल की वजह से हमें कई तरह की मुसीबतों का सामना भी करना पड़ता है। वही हमारे ज्योतिष ज्ञाताओं का ये कहना है कि ग्रहों की चाल के कारण ऐसे संयोग बन रहे हैं कि साल 2022 से लेकर साल 2035 तक कुछ राशियों का भाग्य चमकने वाला है कि साल 2022 से लेकर साल 2035 तक कुछ राशियों का भाग्य चमकने वाला है। और दोस्तों, इन राशियों और होने वाले लाभ के बारे में आज हम आपको इस वीडियो में जानकारी देने जा रही हैं, तो आपसे अनुरोध है कि वीडियो को आप बिल्कुल भी मिस ना करें और इसे अंत तक ज़रूर देखें। चलिए शुरू करती हैं। दोस्तों, बताना चाहेंगे कि सबसे पहली जो राशि है वह है सिंह राशि। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि इस लिस्ट में सबसे पहला नाम सिंह राशि वालों का आता है। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि ग्रहों की चाल में हुए इस महापरिवर्तन से सिंह राशि वालों को आने वाले समय में न केवल आपको व्यापार में लाभ होगा बल्कि धन प्राप्ति के आपको नए साधन भी मिलेंगे। इसके अलावा आने वाला समय आपके लिए काफ़ी ज़्यादा शुभ होगा, यहाँ तक कि आने वाले समय में आपको अपनी मेहनत का फल भी ज़रूर मिलेगा। यानी अगर हम सीधे शब्दों में कहें तो सिंह राशि वालों की किस्मत अब खुलने वाली है। दोस्तों, अगली जो राशि है वह है कर्क राशि। जी हाँ दोस्तों, बताना चाहेंगे कि इसके बाद हम कर्क राशि वालों की बात करते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आने वाला समय कर्क राशि वालों के लिए बहुत ही भाग्यशाली रहने वाला है। आपको उपहार या किसी खास और महंगी चीज़ की दौरान प्राप्ति होगी। इसके साथ ही जो लोग नौकरी करते हैं उनकी तरक्की होने के भी खूब योग अब बन रहे हैं। बता दें कि नए व्यापार के लिए भी ये समय काफ़ी ज़्यादा शुभ है। जी हाँ, आपको जानकर खुशी होगी कि आपको व्यापार में धन लाभ होने के अब अच्छे योग बन रहे हैं। दोस्तों, अगली राशि है कन्या राशि। बता दें कि इसके बाद हम कन्या राशि वालों की बात करते हैं। बता दें कि कन्या राशि के छात्रों को इस दौरान सरकार की तरफ से आर्थिक मदद मिल सकती है। इसके साथ ही आप जिस कार्य में सफलता हासिल करने के लिए काफ़ी समय से प्रयास कर रही हैं उस कार्य में भी आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। गौरतलब है कि काफ़ी कोशिशें करने के बाद आपकी तरक्की और धन में अब वृद्धि होने के योग बन रहे हैं। दोस्तों, अगली राशि है तुला राशि। बता दें कि इस लिस्ट में अगला नाम
तुला राशि वालों का आता है। बता दें कि ग्रहों में आए इस परिवर्तन की वजह से अब इनकी ज़िंदगी के गमों का नाप तोल अब ख़त्म होने वाला है। जी हाँ, आने वाले समय में आपको काफ़ी ज़्यादा खुशियाँ मिलेंगी। बता दें कि जो लोग नौकरी की तलाश कर रहे हैं उन्हें नौकरी ज़रूर मिलेगी। इसके अलावा ज़मीन जायदाद से संबंधित कार्यों में भी आपको सफलता मिलने के पूरे पूरे आसार हैं। दोस्तों बता दें कि अगली जो राशि है वह है मेष राशि। जी हाँ दोस्तों, बताना चाहेंगे कि अब मेष राशि वालों का भाग्य चमकने वाला है। जी हाँ, मेष राशि के जातकों की राशि में ग्रह परिवर्तन के कारण बड़े परिवर्तन अब देखने को मिलेंगे। यह समय में आपको काफ़ी ज़्यादा खुशियाँ मिलेंगी। जो लोग इस समय नौकरी की तलाश कर रही हैं उन्हें नौकरी ज़रूर मिलेगी। साथ ही इस समय ज़मीन जायदाद से जुड़े मामले भी पूरी तरह से आपके सुलझ जाएंगे। दोस्तों बताना चाहेंगे कि अगली राशि है वृश्चिक राशि। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि वृश्चिक राशि के इस दौरान छात्रों को सरकार की तरफ से आर्थिक सहायता मिल सकती है। इसके साथ ही आप जिस कार्य में आप कर रही हैं उसमें आपको सफलता अवश्य हासिल होगी। दोस्तों आपको बता दें कि काफ़ी कोशिशें करने के बाद आपकी तरक्की में और धन वृद्धि होने के अब योग बन रही है। संतान की तरफ से भी आपको बड़ी खुशखबरी मिलेगी। दोस्तों अंतिम राशि है कुंभ राशि। जी हाँ, बता दें कि कुंभ राशि के लोगों की सबसे खास बात यह है कि ये लोग आत्मविश्वास से भरपूर होती हैं और शनि देव इनका नेतृत्व करती हैं। इस राशि के लोग अपनी मेहनत और लगन के दम पर हर क्षेत्र में उपलब्धि पाने में सफल रहती हैं। इस राशि के लोगों पर माँ दुर्गा की कृपा दृष्टि होने की वजह से इनका चाहकर भी यह बुरा नहीं कर पाएगा। आर्थिक मामले भी पूरी तरह से आपके सुलझ जाएंगे। दोस्तों आपसे अनुरोध है कि आप कमेंट सेक्शन में सच्चे दिल से जय मां लक्ष्मी अवश्य लिख दें और वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दें।